हमारे पास जो है जो दिन बचे हैं पढ़ने के लिए वो दिन क्या बचे हैं, एंड आप समझिए मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, ठीक ना, जून में भी लास्ट वीक में होगा तो आधा जून मान लेते हैं हम, के 3.5 महीना है, पूरा मार्च का महीना हमारे पास है, पूरा अप्रैल का महीना हमारे पास है, पूरा मई का महीना हमारे पास है, और जून में भी 15 दिन हमारे पास है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसके पहले एग्जाम होने की संभावना है बहुत कम, ठीक है। तो 3.5 महीना तकरीबन 100 दिन से ऊपर होता है जो हमारे लिए सफिशियंट टाइम है प्रॉपर रिवीजन करने के लिए, और जिनने नहीं रिवाइज किया उनको पढ़ेंगे भी यदि अभी भी अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आप बोलोगे सर बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो बोर्ड का एग्जाम में कुछ अलग नहीं आता बेटा, जो आप पढ़ते हो ना यही आता है, कुछ सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं, तो वो आप कर लोगे, इसको घबराओ मत बिल्कुल, ट्राई टू मैनेज थिंग्स, डोंट गेट पैनिक, के पैनिक मत करो आप, घबराओ मत, आप चीजों को मैनेज करो। आपको पता होना चाहिए कि फाइनली हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि नीट का एग्जाम हाथ से छूटना नहीं चाहिए हमारे, ठीक है ना, ये हमारा लॉन्ग टर्म जो गोल है, और यही इसी के लिए हमने बायोलॉजी लिया था। हमने बायोलॉजी इसलिए नहीं लिया था कि हमको 95% चाहिए 12th में, उसके बाद हमको कोई बड़ा पहाड़ पे झंडा गाड़ के आएंगे तो कोई हमारी तारीफ करेगा। हमने बायोलॉजी इसलिए लिया था कि हम नीट का एग्जाम निकालेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ठीक है ना, इसलिए अपने मेन गोल को मत भूलो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि नीट के आप बोर्ड के एग्जाम पर बिल्कुल फोकस ना करें, फोकस कीजिए, लेकिन उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। आपकी नीट की पढ़ाई को तो हम जीरो मत कर दीजिए आप।